वेलकम टू माई चैनल HF ड्रामा क्लब। सो गाइस, BU कैट में तो आपका भाई पढ़ता है, लेकिन इस टाइम यानी कि जुलाई के मंथ में जबकि हमारा सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है और पूरी यूनिवर्सिटी खाली है, तकरीबन छुट्टियां हैं, ऐसे टाइम में आपका भाई यूनिवर्सिटी क्या करने आया है उसके ऊपर ये ब्लॉग है। सीन ये है कि अगस्त में हमारे सीनियर्स का जो इस साल बैच पास आउट हो जाएगा 22 का बैच, उनका थीसिस है और मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर हसान भाई बहुत फेमस स्कल्पचर हैं, उनकी हेल्प करने के लिए उनके थीसिस में मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। तो सीन ये है कि मेरा मानना है कि मैं हसान भाई के साथ थीसिस में हेल्प करवा के बहुत कुछ सीख सकता हूँ, जबकि हसान भाई ने मुझे इसलिए बुलाया कि मैं उनके साथ काम करवाऊँ। और बस क्या चलें, अब अगस्त में थीसिस है, तब तक ये शूटिंग जारी रहती रहेगी मेरे ब्लॉग की, तो मैं बाकी सिनेमैटिक्स डालूँगा और एट द एंड डिस्प्ले दिखाऊँगा। मेरे साथ मौजूद हैं भट साहब और चलते हैं थीसिस। The street gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you, we will rock you, we will rock you. जी तो दोस्तों, आपका भाई जैसे कि स्कल्पचर स्टूडियो में काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो आपने पहले देख लिया कि हमने उसका आर्मेचर तैयार किया स्कल्पचर का, अब हमने प्लास्टर शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे बिल्कुल ठीक पीछे, ठीक है, अब इस पर काम पूरा होने के बाद इस पर प्लास्टर लगाना शुरू कर दिया। सानवी इस पर क्या लगा रहे हैं हम लोग? प्लास्टर। Somebody better put you back into your place. Singing, we will rock you, we will rock you, we will rock you, we will rock you. इधर जमीयत वाले भेज रहे होते हैं। हाँ, इधर आ। ये था, ये सही जवाब था। फाइनली इतनी मेहनत के बाद ये कंप्लीट हुआ। इस पर हमने थोड़ा स्लो काम किया क्योंकि लेक्चर्स होते थे यूनिवर्सिटी के, उससे फ्री होकर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करते थे और तकरीबन 2 मंथ्स में ये कंप्लीट हो गया। और इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, मुझे आसान भी से बहुत कुछ सीखने को मिला, एक पूरी टीम ने मिलकर काम किया। और उसके अलावा इसके पीछे एक पूरा टॉपिक है आसान भाई का, तखयल था तख्लीक, वो सुनते हैं। ये वो जज्बे हैं जिन्हें मैं नरमी से चाक पे धरता हूँ, फिर अपने हाथों के तसव्वुर से कथा तहरीर करता हूँ। मेरे हाथों की पोरों में मचलती रक्स करती दिल रुबासी आशिना सन, ये रंगत खाक की रंगत, ये मेरी जात की रंगत, ये मुझे खुद में घुली महसूस होती है। मैं मट्टी का तखयल हूँ, तू खालिक है मेरे मौला, मैं कूजे में समुंदर,
ये पानी और मिट्टी का खनकना दास्तानी है, ये तीखे ये मीठे वस्त्र की उजली कहानी है, मेरी हस्ती का गुंजना टूटना बनना मुतय्यन, मेरा खिलना खनकना घूमना मिटना मुतय्यन, मैं मिट्टी हूँ मेरा हासिल बज़ाहिर कुछ नहीं होगा, मिट जाऊँगा मिट्टी में तो बज़ाहिर कुछ नहीं होगा।